लुक वाली लग रही है, जब मैं इसको हटाऊंगा तो और कूल लगेगी। तो ये देखिए कुछ मैजिक सा होने वाला है, समझ रहे हो? फिर मैं इसको अगर क्लिक कर, अगर देखो अभी ये कितने वाली होती है, जो कुछ हर एक इंसान देख के एक बार मुड़ता जरूर है कि भाई क्या जा रहा है, गाड़ी है क्या जा रहा है, कौन सी गाड़ी है। फिर आपको रूफ खोल के दिखाते हैं। वेलकम गाइस, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी कार लेके आ गया हूँ जो होने वाली है बहुत ही पावरफुल, बहुत ही कॉम्पैक्ट कार जिसे कहा जाता है, और इंडिया में तो इसकी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चलती है। अगर ऐसी कार किसी को दिख गई तो वो होने वाली है हमारी जो कार ऑडी की A3 कैब्रोलेट। दोस्तों बात की जाए इसके इंजन वाइज तो इसमें जो है दो वेरियंट आते हैं, एक होता है 1.4 और दूसरा होता है 2.0 यानी 2 लीटर का इंजन। तो ये होने वाली ऑडी की A3 बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल वाली होने वाली है और बहुत ही कॉम्पैक्ट है, वो चाहे इंजन वाइज या फिर चलाने वाइज या फिर कंफर्ट की बात की जाए, सब में A1 है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और नीचे मेरे को इंस्टाग्राम पर लिंक है, वहाँ भी जाकर फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो कोई आपकी क्वायरी है तो। दोस्तों इस गाड़ी को अगर हम आगे से देख लें एक बार, तो सबसे पहले कंपनी फिटेड, ऑल कंपनी फिटेड है, कोई मार्केट आफ्टर मार्केट कोई यूज़ नहीं हुई है कोई भी इक्विपमेंट। तो ये जो बैचिंग देख रहे हो ऑडी की बहुत ही कूल है, ये आप क्रोम है। इसके अलावा अगर हम लाइट में आ जाते हैं तो लाइट में आप देखो LED लाइट जो है, यहाँ पे DRL लगा हुआ है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प है, यहाँ पे इंडिकेट की करने वाली लाइट है, और यहाँ पे हमारे जो है वॉशर है, और इसके नीचे हमारे जो है फॉग लैम्प है, कुछ मिलते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी सही लग रही है मेरे को। अब आ जाते हैं इस साइड में बात करें तो यहाँ भी आपको एक DRL मिलता है, प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलती है, आपको इंडिकेटर मिलता है, और ये जो कुछ सेंसर वगैरह कैमरे के मिल जाती है यहाँ पे, आप चाहो तो लगवा सकते हो। अब दोस्तों अब हम ये जो S लाइन है यानी कि हाई लाइन मॉडल है, तो हम इसको एक बार साइड से अगर देखें इस तरफ से, तो हमें देखिए अलॉय व्हील जो मिलता है वो पूरी कंपनी फिटेड मिलती है, 17 इंच की ये जो आप टायर देख सकते हो, काफ़ी कूल लग रही है देखने में। और एक बार साइड से प्रोफाइल को इंजॉय करो, सही लगेगा। अब एक बार ये प्रोफाइल को देखो, अभी जो है विदाउट कन्वर्टेबल है, यानी कि अब ये जो जब कन्वर्टेबल होगी ना, मेन उसी का क्रेज़ होता है कन्वर्टेबल कार के, जब ये खुलेगी। बट खुलने से पहले सामने से आप पहले देख लो साइड से। अब पीछे आते हैं थोड़ी सी, हम पीछे में आप जो ये टेल लैम्प देख लो काफ़ी सही है, यहाँ भी लग रही है मेरे को। और इसके बाद A3 की यहाँ पे बैचिंग मिलती है आपको, ब्रांडिंग मिलती है, और यहाँ पे जो है 4.0 PFSI मिलता है पीछे। अब इसके बाद नीचे थोड़ा सा ड्यूल एग्जॉस्ट मिल जाए हमें, और पीछे से भी लुक आप एक बार इन्जॉय करो, काफ़ी सही लग रही है। अब मैं इसको ऊपर करता हूँ यानी कि अपने को बूट स्पेस को, तो गाइस आपको एक बार मैं पीछे से एक बार इन्जॉय करो प्रोफाइल को, पीछे में जो ये लाइट मिल रही है काफ़ी सुंदर है, और पीछे से भी काफ़ी सही लग रही है ड्यूल एग्जॉस्ट के साथ। अभी मैं इसको ओपन करता हूँ, और इसमें भी काफ़ी अच्छी स्पेस यहाँ पर मिल रही है मेरे को, देख पा रहे हो आप। अब मैं इसको थोड़े सी ऑफ़ करता हूँ, अब आ जाते हैं इस साइड में गाड़ी के, इस प्रोफाइल को आप इन्जॉय करो एक बार, एक डैशिंग लुक वाली लग रही है, जब मैं इसको हटाऊंगा तो और कूल लगेगी। तो ये रही बाहर से कुछ बेसिक फीचर्स जो इस गाड़ी के, मैंने कुछ बताया हाईलाइट। अब मैं अंदर चलता हूँ, अंदर मैं आपको बताता हूँ क्या क्या यूनिक है, तो चलते हैं अंदर फिर। दोस्तों अब हम बैठ चुके हैं ऑडी के A3 के अंदर में, और यहाँ पे कुछ हम बेसिक फीचर्स आपको बता दें। ये जो चारों कांच है यहाँ पे, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ से प्रेस करूँ तो ये ऑलरेडी यहाँ पे डाउन हो जाते हैं। ये हमारे कुछ बेसिक ऑडियो के यहाँ पे एक DRL भी है, आपको मिल जाती है यहाँ पे। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ AC की वेंटिलेटर आप देख रहे हो, काफ़ी कूल है। यहाँ पे कुछ बेसिक फीचर्स है हमारे लाइट्स को लेके, ऑन ऑफ को लेके। यहाँ पे वॉल्यूम बटन मिलता है आपको, यहाँ एयर बैग्स वगैरह है, यहाँ भी कुछ मिलती है। और मैं अगर इसको ऑन करता हूँ तो आपको ये देख लो, अभी ओपन हुई है। इसके अलावा अब मैं यहाँ पे कुछ दिखाता हूँ, तो यहाँ पे कुछ फीका लग रहा है, यहाँ पे कुछ फीका लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे डैशबोर्ड देखो काफ़ी क्लीन है, और क्योंकि यहाँ पे देखिए एक स्क्रीन आएगी अभी, मैं जैसे इसको ये देखिए कुछ मैजिक सा होने वाला है, अब देख रहे हो। और फिर मैं इसको अगर क्लिक कर, अगर देखो अभी ये, अगर आपको लगता है कि इसको आपको देखना है, अगर कुछ आपको मल्टीमीडिया कुछ भी देखना है स्क्रीन के ऊपर, ये ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से मैं चाहूँ तो यहाँ से भी कंट्रोल कर सकता हूँ, सेटिंग में जा सकता हूँ, या फिर यहाँ पे नीचे सोर्स से आप देख सकते हो नीचे, यहाँ से भी मैं ऊपर नीचे कर सकता हूँ यहाँ के बारे में। और अगर हमको लग रहा है
कि अगर हमको लग रहा है कि मेरे को काम नहीं इसका, तो फिर आप इसे ऑफ कर सकते हो, ये अपने आप फिर नीचे चली जाएगी। अब यहाँ पे कुछ मैं आपको फीचर्स और बता दूँ, ये कुछ एसी के क्लाइमेट है, ये पार्किंग के लिए है, और यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल की पूरी ध्यान रखी गई है, यहाँ से कुछ भी आप मेंटेन कर सकते हो। यहाँ पे सिगरेट लाइटर है, यहाँ पे कुछ रखने के लिए आपको बॉटल्स वगैरह मिल जाता है, यहाँ पे आपको पार्किंग में अभी है तो पार्किंग में है ऑटोमेटिक जैसा होता है, और यहाँ से आप जो स्क्रीन में हमारी देखो ओपन हो गई, इसको मैं चाहूँ तो फिर ऑफ़ कर सकता हूँ, यहाँ से कंट्रोल में कर सकता हूँ, यहाँ पे मल्टीमीडिया वगैरह हो जाता है। अब हमारे ये पार्किंग के कुछ बटन है, और इससे है सनरूफ खुलेगा। तो मेन जो हम जो हमारा मेन अट्रैक्शन बनाता है वो होता है इसका सनरूफ। तो अब एक बार देख लो, अब ये देखो जो कमाल की होने वाली, अब ये देखो, अब ये होती है असली मज़ा इस गाड़ी की, होती है बाहर से ही। और इस गाड़ी में जो है ना, जितनी बनाती है जितनी बनाती है उतना जो संगीत होता है वही बनाती है। और अगर इस गाड़ी को इस गाड़ी को हम देख सकते हैं दोस्तों, अगर ये वैसे तो ये जो सीट है मतलब फोर सीटर है, बट क्या है ना कि अगर आपको पीछे जाना है तो आपको यहाँ से जस्ट आपको स्लाइड करना है, और ये जो है आगे की तरफ आएगी, यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा स्लाइड करना पड़ेगा, तो हो गई आगे हमारी, यहाँ से कोई भी आराम से जाके बैठ सकता है अंदर में। दोस्तों अभी हम बैठ चुके हैं A3 के अंदर में है, और अंदर में मैं आप लोगों को कुछ बेसिक फीचर्स बताता हूँ, और मेरे साथ ही MS मोटर से मिस्टर रंजन जी भी है। तो हेलो रंजन जी, एक बार आपका स्वागत है, ठीक है। अब आते हैं कुछ बेसिक फीचर्स जान लेते हैं, मैंने तो आपको ये करके ऊपर का चीज़ दिखाया, और यहाँ पे कुछ मतलब जो है हमारे प्रिंस जी भी बताएंगे हल्के फुल्के जो है कुछ क्या क्या होने वाले फीचर्स, इसको पहले जानते हैं। सो मैं आपको सबसे पहले अगर डिटेल बताऊं तो हम डैशबोर्ड से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्टेरिंग से स्टार्ट करते हैं। आपको एक ऑडी की बहुत ही चार छल्लों वाली कूल ब्रांडिंग दिख जाएगी, बिल्कुल। फिर आप ऑडियो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत ही कूल वे में आप ऑडियो यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं बिल्कुल, अप हो जाएगा डाउन हो जाएगा। इसके अलावा इसको एक बार ये करते हैं, अभी क्या पार्किंग मोड में, ये पार्किंग मोड में अभी, अभी आगे ड्राइव मोड में। तो अब हमें डिटेल बताइए और इसको थोड़ा सा हम ड्राइव भी कर लेते हैं, देखते बताते जाइए आप क्या क्या होने, और ये सच में ऑडी की बात की जाए तो ये सनरूफ अगर ये ना रहे तभी मजा आता है चलाने में इसको, बिल्कुल बहुत सही है। हाँ हाँ, वो इसकी हैंडलिंग में आप चला के देख रहे होंगे कितनी, बिल्कुल मतलब बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही स्मूथ, पानी जैसे हैंडल होता है इसका, बिल्कुल। इसके बाद ब्रांडिंग के बाद आप देखोगे यहाँ पे तो एसी नॉब्स हैं, बहुत ही पावरफुल एसी नॉब्स हैं, हाँ। एसी कंट्रोल्स हैं यहाँ पे, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल होता है इस गाड़ी में। इसके अलावा आप इसका स्टीयरिंग देखोगे तो बहुत स्टीयरिंग तो बहुत ही इजी लग रहा है, बहुत ही मजा आ रहा है, कॉम्पैक्ट स्टीयरिंग है, और आप यहीं से इतने छोटे से कंसोल से ही आप पूरा ऑडियो इसका कंट्रोल कर सकते हो, फोन कनेक्ट कर सकते हो, फोन बुक को सिंक कर सकते हो, यहाँ से कन्वर्टेबल का ऑप्शन होता है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे था जैसा मैंने कि आप लोगों को दिखाया, हाँ। और मतलब अगर इसको जो कूल बनाती है और क्या क्या चीज हो सकती है इसको, जो इसको कूल बनाती है वो इसका वो आप देख रहे हो सनरूफ, वही चीज बिल्कुल सॉफ्ट टॉप, जो इसका सॉफ्ट टॉप है। इसके अलावा इसमें एक बटन है, अभी आपको दिख रहा होगा कि विंडोज 4 लगी हुई है, अच्छा एक क्लिक पे ये चारों विंडोज जादू की तरह गायब हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। तो और क्या कुछ जैसा, अब जो मेन होता है ना अट्रैक्शन जो होता है, अगर यहाँ तो कोई अभी मॉल के सुबह का टाइम है तो कोई दिख नहीं रहा है, बट अगर कोई रहता है तो सबकी जो अट्रैक्शन जाती है इसी की तरफ, वही होती है, हर कोई इसको मुड़ के जरूर देखेगा। वहाँ पे एक भैया है, एक बार मैं देखूंगा उधर भी, आप एक बार कैमरा को दिखा दो। तो जो पहला अट्रैक्शन होता है, आगे भी हमारे कुछ है लोग है, तो मतलब ये क्या बात होती है कन्वर्टेबल की, कन्वर्टेबल में कुछ तो देखने वाली होती है, जो हर एक इंसान देख के एक बार मुड़ता जरूर है कि भाई क्या जा रहा है गाड़ी, क्या जा रहा है, कौन सी गाड़ी है, ये इंडियन गाड़ी तो लग नहीं रही, बिल्कुल। चला के भी उतनी मजा, मतलब बहुत, मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई हम बाहर के कार में बैठे हैं सच में, मतलब बाहर में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे हाँ क्या कुछ, सबसे पहले एक बार हम लोग ये देखिए, हाँ हाँ, रूफ हम बंद करते हैं, फिर आपको रूफ खोल के दिखाते हैं, देख लीजिए।
झुकी। ये हो गई रूफ हमारी ऑफ, ये बंद हो गया। हाँ। ये आपके एक नॉर्मल कार हो गई, नॉर्मल कार हो गई। ये एक्चुअली हम बाहर से शूट करेंगे तो ज्यादा बेटर व्यू आएगा। बिल्कुल। ये आपके रूफ। हाँ हाँ। ये देखिए आप, एक प्रेस पे आपका रूफ गायब हो गया। रिप गायब हो गया, बिल्कुल। उसका मेन अट्रैक्शन है, ये चार विंडो भी गायब हो जाएंगी। एक क्लिक पे चार विंडो गायब हो जाएंगी। एक क्लिक पे ना, यहाँ पे। ये देखिए, एक क्लिक मैंने करा, आपकी चारों विंडो गायब हो गई। अब यहाँ पे जो एक क्लिक मेरे को करना है और ये चारों विंडोज उधर से भी उड़ जाएगी, तो ये चीज़ है इसमें। तो दोस्तों, आप इस गाड़ी को, A3 कैप्रोलेट को बाहर से भी देखा, अंदर से भी देखा, चला के भी देखा, मतलब तो अब बताओ कि मतलब ये मॉडल होने वाली कब की? ये अगर आपको उसकी डिटेल दें तो 2015 की गाड़ी है। ओके। 2015 की गाड़ी है, केवल 13,000 किलोमीटर चली है। आपने ओडोमीटर रेटिंग दिखाई थी। हाँ हाँ। केवल 13,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है और बहुत ही लेस ड्रिवन कार है, एकदम शोरूम कंडीशन में। अगर मैं इसका नंबर प्लेट उतार दूं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये गाड़ी शोरूम की नहीं है। तो गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में है, बहुत ही वेल मेंटेन्ड कार है। और मैं इसके जो डिमांड कर रहा हूँ वो केवल 27,99,000। 27,99,000 रुपये मैं इसके डिमांड कर रहा हूँ गाड़ी के। 27,99,000 में आपको ये 2015 की होगी, कितनी चल गई होगी? केवल 13,000 किलोमीटर। केवल 13,000 चली हुई है। केवल 13,000 किलोमीटर। और इसकी जो माइलेज वगैरह क्या दे देती होगी? ये इसके साथ प्लस पॉइंट यही है कि इसका माइलेज बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, बहुत ही जबरदस्त माइलेज है। आप अगर अभी ओडोमीटर रीडिंग देखोगे तो शायद उस पर भी ये 9 किलोमीटर का रीडिंग शो कर रही होगी, जब मैं इसको थोड़ा बहुत ही चलाया है। अच्छा। बट अगर इसको सिटी पे लेके जब आप निकलोगे, फुल फ्लेश ड्राइव करोगे, तो ये आपको लगभग 12 का एवरेज देगी। 12 का एवरेज देगी। और हाईवेज पे तो कमाल का एवरेज, कमाल का एवरेज। तो कोई सोचना ही नहीं इस गाड़ी को। लॉन्ग ड्राइव, जो लॉन्ग ड्राइव का असली मजा है वो ये कार आपको देगी। देगी, बिल्कुल। तो मतलब आप भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि हम ही ले रहे हैं, मतलब रंजन जी ले सकते हैं हाईवे पे, आप लोग भी ले सकते हो। उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एड्रेस और नंबर लिखा हुआ है, आप जस्ट कॉन्टेक्ट करके आप ये अपने गाड़ी को ड्रीम कार ले सकते हो। क्यों रंजन जी? जी बिल्कुल, क्या बिल्कुल। मैं तो चाहूंगा कि सबकी ड्रीम पूरी होनी चाहिए, सबके ड्रीम पूरे हों। और कार बहुत अच्छी है, कार आप देख सकते हो। न्यू में क्या हो जाएगी प्राइस की? अगर न्यू प्राइस की बात, अगर इसका नए का प्राइस का बात करो तो समवेयर अराउंड 60 लाख की पड़ती है। 60 लाख की पड़ती है, बिल्कुल। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। चलिए, धन्यवाद। आप तो फोन में बहुत बिजी हो जाते हो। हाँ जी, थैंक यू।